फ्रेंड्स, हाउ आर यू? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। क्लास 2 आज आप लोग का डिक्टेशन का दिन है। नाउ टेक आउट योर बुक एंड अपील पेज नंबर 58। हम लोगों ने अपने डिक्टेशन स्टार्ट किया था, फिर अब हमारे पास वन लाइन रहती है, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, फिंगर रखें। उन्होंने दिल में सोचा इन में से किसी का इम्तिहान लेना चाहिए। एक और बार पढ़ना है। उन्होंने दिल में सोचा इन में से किसी का इम्तिहान लेना चाहिए। ठीक है, अभी जो देखें, अलिफ नून पेश उन हे वहो नून गुन्ना उन्हों नून बढ़िए ने उन्होंने दाल लाम दिल। ठीक है, दाल लाम दिल मीम ये में नून गुन्ना दिल में सीन वासो चलफ चा सोचा। उन्होंने दिल में सोचा अलिफ नून जेर इन मीम ये में नून गुन्ना इन में सीन बढ़िए से इन में से। ठीक है, इन में से सीन बढ़िए से का जेर की सीन छोटी सी किसी का फलिफ का किसी का अलिफ मिम इम तेल जेर ती इम ती हे अलिफ हा नुन साकिन इम्तिहान लाम ये ले नुन अलिफ ना लेना चे अलिफ चा हे ये ही हमसे बड़ी है चाहिए। अब हमने क्या करना है, इसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। एक बार मेरे साथ पढ़ना है। फिर भी उन्होंने दिल में सोचा इन में से किसी का इम्तिहान लेना चाहिए। अब आपने क्या करना है, अपनी उर्दू की कॉपी टेक आउट करनी है। आपको पता होना चाहिए हम क्या करते हैं, उर्दू की कॉपी टेक आउट करके लाइन स्केच करते हैं, डेट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, आज आपकी डेट है, आज आपकी डेट है 24। आपने डेट शो करी, रेड लाइन के मिड में इमला शो करा, और अब हम इमले के लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, कह रहे हैं आपने लिखना है अलिफ नून पेश उन हे वाहू नून गुन्ना उन्हों नून बढ़िए ने उन्होंने दा लाम जेर दिल उन्होंने दिल मीम ये में नून गुन्ना दिल में। आपने क्या करना है, वन फिंगर का गैप दे के वर्किंग करनी है। ठीक है, उन्होंने दिल में सीन वासो चे अलिफ चा सोचा। अब आपके पास है, देखिए सोचा के बाद क्या लिखा हुआ है, कॉमा। तो आप लोगों ने ऐसे टेस्ट कॉमा भी डालना है। ठीक है, कॉमा डालने के बाद आगे देखें, इन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में क्या लिखा हुआ है, अलिफ नून जेर इन मीम ये में नून गुन्ना में इन में सीन बढ़िए से इन में से काब जेर की वन लाइन स्किप कर देनी है आपने इसके बाद, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, काब जेर की सीन छोटी सी किसी काफ अलिफ का किसी का अलिफ मीम इम। देखें आपने क्या करना है, मीम की आधी शक्ल बनानी है पहले। ठीक है, फिर इसके साथ ते की आधी शक्ल बनानी है, साथ हे की आधी शक्ल और अलिफ नुन गुन्ना इम्तिहान लाम ये ले नुन अलिफ ना लेना चे अलिफ चा। देखिए चाहिए कैसे लिखेंगे, चे अलिफ चा आपने लिखा पहले, तो चे अलिफ चा लिखने के बाद आपने क्या करना है, चे अलिफ चा लिखने के बाद आपने हे ये ही हमसे बड़ी ये चाहिए। उस बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देना, खत्मा लगा देना है। मेरे साथ पढ़ें, अलिफ नून पेश उन हे वाहू नून गुन्ना उन्हों नून बढ़िए ने उन्होंने दाल लाम जेर दिल मीम ये में नून गुन्ना दिल में सीन वासो चल चा सोचा। उन्होंने दिल में सोचा अलिफ नून जेर इन मीम ये में नून गुन्ना इन में सीन बढ़िए से इन में से काफ जेर की सीन छोटी सी किसी का फलिफ का किसी का अलिफ मीम इम इम्तिहान लाम ये ले अलिफ ना लेना चे अलिफ चा हमजा ये चे अलिफ चा है ये ही हमसे बड़ी ये चाहिए। ठीक है, आपने इसकी क्या करनी है, अच्छी तरीके से इसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, इसकी हिज्जो सुननी है, ताकि आपको इसकी हिज्जो हो सके, जब आपका लास्ट सेशन हो तो आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो और किस
एक बार फिर से देख लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।